अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा दुबई का डे टू है और मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उठा हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड थी एसी की वजह से। तो फिर मैंने सुबह उठकर उसका कम किया थोड़ा सा। तो अब जो है मैं नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होकर जाऊँगा। आज मेरा जो क्या कहते हैं टारगेट है वो दुबई मॉल का है, तो देखते हैं। अभी मैंने मेट्रो लेनी है, वहाँ से फिर दुबई मॉल जाना है। सो लेट्स सी। हाँ तो यार मेरी जर्नी स्टार्ट होगी दुबई मॉल के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल में, फिर वहीं जा कर फिर मैं आपको बताता हूँ सब। यार ये मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल, मेट्रो स्टेशन के अंदर अंदर सी रास्ता है इसका, तो अभी मैं वहाँ पे जा के फिर आपको सब कुछ दिखाता हूँ। यार बाहर तो काफ़ी गर्मी है, तो अंदर अंदर से हम जा रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे एसी शीसी हर सी बात लगी होती है, तो जाना ये ज़्यादा आसान तरीका है बजाय इसके कि आप बाहर निकलें और फिर अंदर जाएँ। तो यार फाइनली इतनी लंबी वॉक के बाद दुबई मॉल अब शुरू हो ही है, तो अभी तो आगे भी इतना ज़रा चलना है, तो देखते हैं बाकी मैं क्या किधर किधर जाऊँगा सब कुछ मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। हाँ तो अभी जो है ना सही वाला दुबई मॉल शुरू हुआ है सही, यहाँ पे सारी दुकानें हैं, यहाँ पे पीछे फूड कोर्ट वगैरह की भी लिखा हुआ है, सिनेमा भी यहीं पे है और बाकी सारे बड़े ब्रांड्स वगैरह भी यहीं पे, सोनी शोनी बाकी जितने भी हैं, तो उनमें भी मैं कुछ मैं जाऊँगा तो मैं साथ साथ बताऊँ। ये वाली ना सबसे ऊपर वाली फ्लोर है, क्योंकि जो मेट्रो से आती है ना वो इसी फ्लोर पे ही हम जाते हैं डायरेक्ट, तो अभी मैं नीचे वाली फ्लोर पे भी जाऊंगा तो वहाँ पर भी देखता हूँ क्या है। ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो है ना डिज़ाइनर शॉप्स वगैरह है यहाँ पर भी, तो अभी देखते हैं किस दुकान में जाएँ। यार यहाँ पर बैठने की जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किलों से एक बैठने की जगह यहाँ पर सोफ़ा मिला है, और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, पानी वगैरह पीऊँगा, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा। हाँ तो यार मैं आ गया फूड कोर्ट में और मेरे पीछे है अल्बैट, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। ये आपने सुना होगा सोनिया का फास्ट फूड ब्रांड है, तो ये सिर्फ दुबई में अवेलेबल है, पाकिस्तान वगैरह में नहीं है, तो अभी मैं चेक करने वाला हूँ अल्बैट का फास्ट फूड, तो देखते हैं कैसा होता है। तो यार मैंने ऑर्डर कर दिया अपना अल्बेक, तो अभी मेरे पास जो है ना उन्होंने मुझे नंबर दिया, अभी काफ़ी मेरा टाइम रहता है नंबर में, काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, तो उसके बाद जब आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। हाँ तो यार मुझे मार मार के घंटा लाइन में लगने के बाद मिली गया अल्बेक, अब मैं बैठने की जगह ढूंढता हूँ। अच्छा मैंने यार इसमें लिए हैं 4 थाई पीसेस थे, बाकी नगेट्स थे और पेप्सी थी, ये साथ उन्होंने बांध दिए, तो अभी मैं खा के आपको बताता हूँ ये कैसा है। यार मैं कोई प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरा रिएक्शन तो बहुत ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँगा आपको बताऊँगा जनरली कि किस तरह के फूड लवर तो मैं हूँ। तो ये मैंने अभी ड्रम स्टिक पकड़ी हुई है, तो अभी मैं आपको खा के दिखाता हूँ ये कैसा है। काफ़ी डिफरेंट है KFC वगैरह से जो हम खाते हैं उससे ना, क्योंकि इसके अंदर जो सॉस है वो नज़र आ रही है यहाँ पे ना बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजअप भी अभी, तो बिल्कुल बोटी के अंदर तक ना इसकी सॉस गई गई होती है, इंजेक्ट करती है इस सॉस को, काफ़ी मज़े का टेस्ट है इसका, और ऊपर जो क्रंच है बहुत ज़्यादा क्रंच, क्रिस्पी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है, काफ़ी डिफरेंट है मेरे लिए, तो मैं आपको इसको क्लोजअप भी दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी रिजनेबल है दुबई की महंगाई के हिसाब से ना ये, तो काफ़ी अच्छा फास्ट फूड है आपको, बाकी टिप्स वगैरह भी इसके साथ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, नगेट्स भी अभी खा के बताऊँगा। अच्छा ये यार इसके साथ सारी टिप्स मिली हुई हैं और ये नगेट है, तो नगेट मैं आपको अभी खा के दिखाता हूँ। ये मैंने नगेट पहले वैसे ही खा रहा हूँ, नगेट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी इसके ऊपर, अंदर वही सॉस है वो काफ़ी मज़े का है, और ये डिप भी देख लेते हैं एक दफ़ा डिप के साथ भी, डिप के साथ भी अच्छा है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा वैसे ही लग रहा है खाने में, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। हाँ
तो यार यहाँ पे बड़े सारे लोग आते हैं इस जगह पे, आपने देखा होगा यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे लगा हुआ है टूरिस्ट का ना, सारे पिक्चर्स पे जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे सीन है। लेकिन इससे नीचे भी थोड़ा जाता है, लेकिन ये यहीं पर इसी फ्लोर पर ज़्यादातर लोग जो है ना खड़े होते हैं, तो मैंने भी यहीं पर तस्वीरें वगैरह बनाई हैं आपको, मैं आपको फ्रंट व्यू से भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू आ गया बैक व्यू, ये आप लोग देख सकते हैं बैक व्यू से मेरे सारा। हाँ तो यार मैं इस टाइम पे हूँ स्टारबक्स के ऊपर, जिससे मैंने अभी एक कॉफ़ी बाई की है और कैपेचिनो मैंने बाई की है, और इसकी हाइप आपको पता है कितनी ज़्यादा है स्टारबक्स। हालांकि इसका टेस्ट भी कोई इतना मुझे खास लगा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि फोर डिफरेंट कॉफ़ी है या बस, लेकिन एक नाम है तो है। ये है जी कॉफ़ी, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं ये स्टारबक्स का इसके ऊपर लगा हुआ है लोगों। टेस्ट में यार कोई बहुत खास बात नहीं है, वैसे ही टेस्ट जैसे कॉफ़ी का होता है, लेकिन बस एक ब्रांड नेम है तो अगर इसी बात उसकी वजह से थोड़ी हाइप ज़्यादा है। यार ये ना हर जगह मॉल में लगे हुए इस तरह के टीवीज ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिधर भी आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। ये यार मैं अभी दुबई मॉल से बाहर निकल आया हूँ, और ये मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत किस्म का पानी है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग बिल्कुल मेरे सामने, यहाँ पर बुर्ज खलीफा है, मैं उसकी भी आपको दिखाता हूँ साथ ही वीडियो। ये आ गया जी बुर्ज खलीफा, इतना लंबा जिस जो वीडियो में पूरा ही नहीं आ रहा है, पूरी कोई तस्वीर ही लाना मुश्किल है इसके साथ, लेकिन ये आ गया बिल्कुल बाहर से, मैंने आपको पहले भी दिखाया था अलबेग के एग्जिट के पास से, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अगले दिनों में मैं आप लोगों को इसके अंदर भी दिखाऊँगा। हाँ यार अब थोड़ी ज़रा यहाँ पे रात हुई है, तो थोड़ा दुबई के अंदर शुरू हुआ है मज़ा, सुबह के टाइम पे होता है लेकिन इतना नहीं होता, अभी ज़रा गाने वगैरह लगे हुए हैं सारे, लाइटिंग्स वगैरह अब शुरू हुई हैं, तो अब ज़रा मज़ा शुरू हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंग्स, ये बुर्ज खलीफा है, ये पीछे मॉल ऑफ दुबई है, सारी लाइटिंग। ये यार अब शुगल शुरू हो गया यहाँ पे गाने वगैरह, गाने चाने लग रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादातर चीज़ें जो है इमार ग्रुप वालों ने बनाई हुई हैं, और बीइंग इन सिविल इंजीनियर ये मेरे लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है कि किस तरह की बिल्डिंग्स, और बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देख के मुझे। हाँ यार आज नियाज़ी एक्सप्रेस का तजर्बा हो गया, मेट्रो जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है वापसी के ऊपर, तो कल से इंशाल्लाह टैक्सी वगैरह भी यूज़ करनी है, आज मैंने कहा ज़रा मेट्रो का भी एक्सपीरियंस ले लें, सारा ज़रा पता चल जाए सारे स्टेशन के बारे में, तो वापस पहुँच कर भी मैंने ज़्यादा इसी बात थोड़ी शॉपिंग भी करनी कल सुबह के लिए भी, तो वो भी करूँगा, और कल इंशाल्लाह टैक्सी पर जाऊँगा। हाँ तो यार मैं अभी ना हाइपर मार्केट से वापस आ रहा हूँ सुपर मार्केट से, तो मैंने कल भी यहीं से सामान लिया था, आज भी यहीं से लिया है, इसके प्राइस जो है कंपेरेटिवली बाकियों से बेहतर है, जो मेरे होटल के सामने वाली है उसकी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है वो, हालांकि वो बीच में है, ये मेन रोड पे है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस थोड़ी बेहतर है बाकियों से। सो मैंने वही जूस वगैरह लिया, प्रिंगल्स वगैरह लिए, ठीक है, इसी तरह लुबने काफ़ी मशहूर चीज़ है जो कि आप इसका लगा के खाते हैं वो लिया है, तो अभी देखता हूँ उसको भी ट्राई करूँगा जाकर।
तो यार आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आज मैं मॉल ऑफ दुबई गया था, मैंने आपको दिखाया जितना हो सका मेरे से, तो बस यहीं पे। चला कल मैंने कहीं और जाना भी डिसाइड नहीं किया किधर जाना, तो फिर मैं आपको साथ साथ बता दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।